हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मोनिका मेकओवर गैलरी की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एक क्रिब लेके आई हूँ, जिसको हम लोग क्रिसमस क्रिब भी कहते हैं, या प्रभु यीशु मसीह की आप चरनी कहते हैं। और आप सभी लोग तो जानते होंगे कि क्रिसमस हम लोग प्रभु यीशु के जन्म सब के लिए मनाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने अपने घर में एक छोटा सा प्रभु यीशु मसीह का चरनी स्थापित करने की कोशिश करी। तो ये देखिए, आपको इस समय ये दिख रहा होगा यहाँ पे वीडियो में, ये मैंने बनाया है फ्रेंड्स। इसमें जो मैंने यूज़ किया है, आप दिख रहा होगा, ये जो डब्बा आपको दिख रहा होगा, ये मेरे पास खाली डब्बे पड़े थे। तो इसको मैंने इस तरह से एक हट का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए थे, मतलब गौशाले में, तो वहाँ का ये थोड़ा मैंने दिया है। और ये जो आपको ये थोड़ा सा ये ब्राउन ब्राउन कलर का ये मैट दिख रहा होगा, अगर आपके पास किसी भी तरह का जो एक बोरा होता है, अगर वो है तो वो आप कर सकते हो, लगा सकते हो, जो कि एक लुक दे देगा। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए नज़दीक से, कि एक झोपड़ी का लुक दिख रहा होगा। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है और बहुत ही अच्छे कॉस्ट पे, चीप कॉस्ट पे मुझे ये मिल गया था। तो मैंने इसको यहाँ पे चिपकाया है, इस तरह से मैंने आगे पीछे अंदर सब चिपकाया है। और ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए ये जितनी भी आपको ये डॉल्स दिख रहे हैं, ये सब क्या कहते हैं कि आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उस मटेरियल से बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत पेंटेड किया गया है। तो ये हैं प्रभु यीशु मसीह, जो कि चरनी में देखिए यहाँ पे लेटे हैं, मरियम हो गई, यूसुफ हो गए, और ये एंजल है, गडेड़िए हैं, यहाँ पे आपको भेड़े दिख रही होंगी, मंजूसी हैं। तो इस तरह से ये पूरा सेट है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। ये भी मुझे एक रीजनेबल कॉस्टेबल, मैं जबकि लखनऊ में रहती हूँ, और अमीनाबाद में आप जा सकते हैं प्रताप मार्केट या गड़बड़झाला, वहाँ पे भी आपको ये आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा हाई कॉस्ट होगा। तो ये मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया है, तो ये मुझे थोड़ा सा सही प्राइस पे मिल गया। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया है। और यहाँ पे जो आपको ये जानवर दिख रहे होंगे, जैसे जिराफ हो गया, शिप हो गया, ये सब मेरे जो है डॉटर का सब खिलौने थे जो मैंने लगा के रखे हैं। ये नीचे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए शेर, हाथी, जबकि मैं उसको सब पढ़ाती थी, तो ये मैंने थोड़ा सा इनको भी यूज़ किया है स्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्रिप्ट को बनाने में मुझे मात्र 15 से 20 मिनट लगे हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही आसानी तरीके से मैं बना लिया है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक जो ये बक्सा है मेरे पास पड़ा था, उसको मैंने लगाया है, उस पर थोड़ा सा एक वाइट एक कपड़े को मैंने बिछाया है। और ये पुआल मैंने गाँव से मैं लेके आई थी, मेरे अपने हस्बैंड से मंगवाया इसको गांव से, आराम से आपको आसानी से मिल जाएगा ये पुआल। तो क्योंकि थोड़ा सा गौशाले में ये पुआल का लुक देने के लिए, तो मैंने यहाँ पर भी इसको थोड़ा लगाया है, घर के ऊपर रखते हैं। तो ये देखिए, ये तो ये मैंने ये चीज़ को इस तरह से बिछा दिया है। पीछे भी आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड इस तरह से दिया है। एक स्टार मैंने टांगा है, क्योंकि स्टार जो है चरनी तक पहुंचाने के लिए एक संदेश वाहक का काम करता है, तो ये मैंने स्टार लगा के रखा है। ये भी आपने ये देख रहे होंगे, ये आपका का मटेरियल का, पेपर मटेरियल का बनाया, बहुत ही खूबसूरत। ये भी एक क्रिप का ही डिज़ाइन है। अगर आप घरों में नहीं बनाना चाहते हैं, तो इस तरह के आर्टिफिशियल जो आपका क्रिप अवेलेबल है, आर्टिफिशियल क्रिप भी अवेलेबल है। तो देखिए ये भी बहुत सुंदर लगता है, आप इसको घर में अपने शेल्फ पर और कहीं पर भी आप इसको टांग सकते हैं, बना सकते हैं, और इजीली इसको अच्छे से रैप करके रख भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसका क्रिप का लुक देने की कोशिश करी है फ्रेंड्स। तो अगर आप देखिए, आसानी से आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ी सी जानकारी, आपको एक बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस में आपके घर को एक नया लुक। तो आप ये क्रिप जो है अपने घर में किसी कोने में बना सकते हैं, या आप किसी पोर्च में अपने बना सकते हैं, जो भी आपका खाली स्थान है वहाँ पे आप इसको आराम से यीशु मसीह के चरनी को आप आराम से बना सकते हैं। तो ये आपको देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसे लगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ठंड का, क्योंकि 25 दिसंबर जबकि ठंड का महीना है और बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी होती है, तो उसको थोड़ा बर्फ का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फाइबर्स का यूज़ किया है, जो कि मैंने इस तरह से डाल दिए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक बर्फबारी का भी लुक प्रदान कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने छतों पर भी ऐसे डाल दिया है।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा दिखा? अगर आप अपने आने वाले, अगर आपने इस बार नहीं बनाया है, तो अगर आप आने वाले क्रिसमस में अपने घर को इस तरह से यीशु मसीह की चरनी से सजाना चाहते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, घर के अवेलेबल मटेरियल से यूज़ करते हुए। ये आप बोरे इस तरह के आते हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हो और लगा के आपको एक हटका, या आप कार्डबोर्ड जो कि ब्राउन कलर का होता है उसका भी लुक दे सकते हो, या पेंट करके दे सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी। आप जैसे भी इसको लुक प्रदान करना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ये मैंने, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए नीचे जो जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं मैंने उनको रखा है, और ऊपर जितने भी मैमल्स हैं मैंने इस तरह से रखा है उनको, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक दृश्य, एक बहुत ही खूबसूरत लुक प्रदान कर रहा है। पीछे मैंने इस तरह से पुआल को खड़ा कर दिया है ताकि वो भी बहुत ही सुंदर एक इफ़ेक्ट दे। यहाँ पे मैंने दीवार को छुपाने के लिए, वॉल को छुपाने के लिए भी मैंने इस तरह के आपका ये जो है कपड़ों का यूज़ किया है, ताकि एक बहुत ही सुंदर एक डेकोरेटिव लुक आ सके। तो आप इस तरह से अपने कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हो इस क्रिसमस में। तो आपको फ्रेंड्स, ये यीशु मसीह की चरनी जो मैंने बनाई है वो कैसी आपको लगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एक बार फिर सबको मेरी तरफ से मैरी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।